जो व्लॉग है वो है नर्दर वैली के बारे में। नर्दर वैली गिलगित बल्तिस्तान की एक बहुत ज़बरदस्त वैली है। ये वैली में तकरीबन 3 से 4 झीलें हैं, जंगलात हैं, और रस्ते में एक पानी थोड़ा सा नाला टाइप भी आता है, पानी उसका बरसाती नाला है। वो नर्दर वैली जाने के लिए आपको गिलगित से 3 से 4 घंटे की ड्राइव है, जो 4x4 जीप के ऊपर भी हो सकती है, और तकरीबन इसका आधा घंटा पौने घंटे की जो ड्राइव है वो अपनी गाड़ियों पे हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आधे पौने घंटे की ड्राइव बंदा अपनी गाड़ी पे करे, और आगे वहाँ से फिर 4x4 जीप लेके, जो कि तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये लेती हैं, तो वो आपको नर्दर वैली लेके जाती हैं। गिलगित से 4x4 जीप तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये लेती है। नर्दर वैली में बेसिकली ज़्यादा मशहूर ये सतरंगी झील की वजह से है। इस झील के अंदर 7 आपको रंग नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू देते हैं। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि इसमें 7 रंग कैसे आ जाते हैं, लेकिन इस झील में आगे आप देखेंगे कि 7 रंग आपको कैमरे में नज़र आएंगे। सतरंगी झील तक जो है बिल्कुल झील तक गाड़ियां चली जाती हैं, और इससे इसके इर्द गिर्द इससे ऊपर 3 से 4 झीलें और हैं, जिनमें 3-3, 4-4 घंटे का ट्रैक है। सतरंगी झील से पहले एक जंगल भी आता है, और जंगल के पीछे होटल्स वगैरह भी हैं, तो अगर कोई वहाँ पे रात को रुकना चाहे तो वहाँ पे होटल वगैरह भी हैं। जिन लोगों ने आगे सतरंगी से आगे 3-4 झीलें हैं, उनके लिए यही है कि आप पीछे रुक जाएं नर्दर वैली में, और वहाँ से आप आगे करें। नर्दर वैली का मौसम गिलगित शहर से बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर ठंड भी है ठीक ठाक, बंदा जिस काम के लिए पहाड़ी इलाकों में ठंड के लिए जाता है तो वहाँ आपको मिल जाएगी। तो मेरा ये मशवरा है कि जो लोग गिलगित में रुकने की बजाय आप जो नर्दर वैली आ रहे हैं, तो गिलगित में रुकने की बजाय सीधे आप नर्दर वैली में आके रुकें। यहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, पानी है और इसकी झीलें हैं। आगे हम इंशाल्लाह आपको इसका रास्ता दिखाते हैं और आगे आपको झील दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गिलगित से तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव है, यहाँ तक आप अपनी गाड़ी पे नल्तर के लिए आ सकते हैं। आगे फिर आपको 4x4 जीप्स चाहिए। ये हमने जीप्स करवाई हुई हैं, और ये हमारी पोस्टर है।